छतरपुर शहर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने ट्रांसफार्मर के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने ट्रांसफार्मर के सामने खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने छतरपुर की विधायक ललिता यादव के घर जाकर अपनी समस्या भी बताई और विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। लाइट की समस्या ये है, एक ट्रांसफार्मर लगा है, 3 वार्ड में लाइट दी है, 11 नंबर वार्ड में, 13 नंबर वार्ड में। बिजली विभाग से कई बार आवेदन दे के थक गए हैं कि एक ट्रांसफार्मर और लगा दिया जाए, मगर वो सुनते नहीं है, मनमानी है। बस उनको एक ही काम है कि लाइट पकड़ना, लाइट करना, वसूली करने में जुटे हैं आजकल। भाई कोई काम नहीं है उनका, पूरा बाढ़ रात भर रोड पर डाला रहा है, पूरे बाढ़वासी परेशान है। एक ट्रांसफार्मर लग जाए, MP भी गए थे, अभी प्रदर्शन करेंगे हम लोग, फिर विधायक जी बात जाएंगे। ये वार्ड नंबर 13 में पिछले 3 सालों से परेशानी थी डीपू की, तो इसका समाधान करने के लिए आज विधायक जी कहाँ आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका ये काम हो जाएगा जल्द से जल्द। क्या समस्या हो रही थी? लाइट जा रही थी रात को, पूरे दिन आज लाइट नहीं रही, रात को अभी 11 बजे करीब लाइट आई है, थोड़ी देर के लिए अभी भी फॉल्ट हो रहा है। उसके लिए समस्या के लिए आज विधायक जी कहाँ आए हैं, पावर हाउस जाते थे तो थोड़ा सा काम करते हैं, बाद में खराब हो जाता है, इसलिए नई डीपी के लिए समस्या के लिए आए। विधायक जी ने आज आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा। वार्ड नंबर 13 के हमारे पार्षद साहब, हमारे पत्रकार भी परेशान, वार्ड के लोग भी परेशान है। उन्होंने बताया कि रात से लाइट नहीं है, जैसा कि कितनी गर्मी में बच्चे भी परेशान हो रहे, लोग भी परेशान हो रहे। मैंने अभी दी थी बात की मिश्रा जी से मैंने कहा कि समस्या का समाधान होना चाहिए, अगर DP लगना है, आपके पास बजट नहीं है तो मैं विधायक निधि से लगवा दूंगी। मैं आपके माध्यम से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ, अभी तक जो परेशानी हुई है तो हुई है, अब ऐसी परेशानी नहीं होगी, लाइट बराबर रहेगी। और अगर ऐसी परेशानी हो तो आधी रात को आप फोन लगाना, मैं वहीं स्पॉट पे आऊंगी, आपकी समस्या का समाधान करूंगी। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले में आजादी के कई दशक बीतने के बाद भी बिछिया गांव के लोग बिजली की सुविधा से महरूम हैं। आखिरी बार प्रशासन की तरफ से साल 2014 में सोलर सिस्टम के माध्यम से गांव में बिजली पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही सोलर प्लेट बिगड़ गया। तब से लेकर अभी तक 10 साल बीत गए हैं लेकिन बिजली नहीं आई। हालांकि कलेक्टर से लेकर विधायक मंत्रियों का दौरा हुआ, सभी ने आश्वासन दिया लेकिन गाँव में बिजली अभी भी नहीं पहुंची है। चुनाव आए हुए हैं, यहाँ पे ये देखा गया कि ये मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। आज़ादी के दशक के बाद से इनका कहना कि हमारे गांव में हमने लाइट का चेहरा भी नहीं देखा। तो आइए इन्हीं से हम बात करते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे ये जूझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? धनसैया। क्या समस्या आपकी? लाइट का समस्या है, हाँ, और पानी का भी समस्या है। तो लाइट के बिना आप कैसे गुजारा करते हैं? लाइट के बिना आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? अंधेरे में गुजारा कर रहे हैं, हाँ। प्लेट लेट ऐसे तो कभी धूप चटक रहा है तो उजेला रहा था पूरा रात, और नहीं ऐसे बादल रहे तो है अंधेरा रहे ऐसे, भाई झीटी उटी कछु बारन उजेला तब उजेला पा रहे हैं। तो आपके बच्चे स्कूल भी जाते हैं? हाँ। और घर में कैसे फिर रात में पढ़ाई करते हैं? अरे तब रात में अब कैसे पढ़ाई करें, अंधेरे में कभी तारा चौरा बार के एक आध मिनट पढ़े लड़े नहीं, फिर सब भी बस्ता वस्ता बंद करें, मतलब लाइट के कारण पढ़ाई भी मतलब प्रभावित हो रही है। जब तक भाई लाइट वाइट रही हमार तब भाई खोला थे बस्ता अपने, अंधेरे में फिर कैसे पढ़े। कुछ और भी ग्रामीण हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम बात करेंगे। लाइट की समस्या, अंधेला एकदम छाई हुआ है, पूरे अंधेली अंधेली है भाई। अब देखो हमारे गाँव में अब यहाँ रोशनी का कोई साधन नहीं है, तो अब जो हमारा गुजर बसर करते हैं तो लकड़ी से कंडा लकड़ी जला के अब उसी से हम आधा खाना पीने के लिए व्यवस्था बनाते हैं, और वो उजेला की साधन भी बनता है। बताइए क्या समस्या है आपकी? यहाँ सन 70 से आज़ाद हुआ है अब यह देश में, आज तक कलेक्टर भी आके देख चुके हैं और बता चुके हैं लाभ विधायक, लेकिन आज तक अभी लाइट उजेला के साधन नहीं है। हमारे बाल बच्चा नहीं पढ़ पा रहे हैं, उजेला न रहने के कारण सब कोई अनशिक्षित पड़े हैं,
और अभी से नहीं, बहुत कई पंचवर्षीय बीत गए, यानी कि लाभ बता के और चले जाते हैं, वोट पड़ने के बाद कोई आते नहीं है बिछिया गांव में। आसन स्तर पे इस बिछिया गांव में सोलर पैनल के माध्यम से इनको कुछ महीनों के लिए बिजली उपलब्ध की गई थी, लेकिन की स्थिति में आप ये देख सकते हैं कि सोलर पैनल की क्या स्थिति है, इनको सोलर पैनल के माध्यम से कितने वर्षों, कितने दिन, कितने माह लाइट मिले हैं, ये तो गांव वाले ही बता पाएंगे। आइए हम गांव वालों से ही बात करते हैं। यहाँ पे ये जो सोलर पैनल लगाया गया था शासन ने बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से, तो इसका कितना लाभ मिला? ये लाभ इससे कुछ नहीं मिला सर, 2014 में ये जला था, 2014 में लगा था और 6 महीने करीब अच्छी जली है, 6 महीने के बाद ये धीरे धीरे खराब होते होते पूरा खराब ही हो गया है। इसके बाद हम लोग आवेदन इसके बारे से किए, गांव वालों को लाभ ही नहीं मिल रहा, तो कलेक्टर के पास भी किए, विधायक के पास भी किए, लेकिन वो लोग हमारे बातों पे कोई ध्यान नहीं दिए। इसके बाद गाँव वासियों ने सोचे यार इसके माथे रहेंगे कोई काम ना होगा, फिर हम सीधे लाइट के आवेदन किए, कमिश्नर के पास गया, कलेक्टर के पास गया, विधायक के पास गया, ये तीनों चीज़ के हमारे पास पाती है, लेकिन आज तक सरकार बोल रहा है गांव गांव लाइट देते हैं, गांव गांव सड़क देते हैं, आज बिछिया पंचायत में कहां दिया है और कहां क्या है आप बताइए, सब झूठ बोलते रहते हैं सर, ये है वो है, जो भी साहब आता है, जो भी सर आता है, सब ऐसे ही बोल के 2 महीने बाद लग जाएगा, 3 महीने बाद लगेगा, पर यहां कोई ध्यान दोबारा देने वाला नहीं है। सरकार के उसमें गाँव वालों ने किया कि सरकार दूरस्थ ग्रामांचलों में निवासरत लोगों को बिजली, पानी, सड़क मुहैया कराती है, लेकिन ये उमरिया जिला के जो बिछिया गांव है ये विकास की धारा से एकदम अछूता हुआ दिखाई देता है, ये ऐसा गांव वालों का कहना है। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे ये देखा गया कि जिला प्रशासन इस गाँव के उसमें मतलब कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, ना तो पानी को लेके, ना तो बिजली को लेके, ऐसा ही गांव वालों का मानना है। एजाज खान, NDTV के लिए।